किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द नू पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड, सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs, और 1 FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने STF की और CIA की कंबाइंड बनाई हैं जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 SIT गठित की गई हैं जिसके अंदर ये सभी केसेस दिए गए हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एविडेंस पे हम टेक्निकल एविडेंस पे और अन्य सरकमस्टांशियल एविडेंस पे वर्कआउट कर सकें। इसके अलावा जितने भी घटनास्थल थे वहाँ की आसपास की CCTV फुटेज, चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरास थे, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल लोगों के थे कैमरास, उनसे सभी हार्ड डिस्क जो हैं इवैल्यूएशन के लिए ले ली गई है। और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गठित करके एक एक वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो एनालिटिक्स बहुत ही गहनतापूर्वक किया जा रहा है, और उनके स्क्रीनशॉट्स के जो है प्रिंटआउट लेकर और उनके एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर जिसमें भी भड़काऊ भाषण इत्यादि या वायलेंस के समय या उससे पहले के जो घटना इमीडिएटली जो ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट्स थे उनके ऊपर FIR दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ आज जिन जगहों पे जिन गांवों में से वायलेंस ज़्यादा हुई थी उन गांवों में टू सर्च फॉर द क्रिमिनल्स और जो वहाँ के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी सर्च के लिए एवं रिकवरी ऑफ अदर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस वी हैव डन द कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन। इसमें हमने सिंगार विलेज में और इसके अलावा मेवली गांव में, जलालपुर गांव में और शिकारपुर गांव में हमने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस किए हैं और कुछ लोगों को हमने उसमें अप्रिहेंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। इसके अंदर लगातार जो है पुलिस हर तरीके से कार्रवाई कर रही है, साथ साथ हमारी पूरे एरिया में फ्लैग मार्चेस डे एंड नाइट चल रही हैं और लोगों के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत लगातार चल रही है और आगे भी लोग कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और सेंस ऑफ नॉर्मलसी रिटर्न हो रही है। सर, एक सवाल है कि कल घटना सामने आई कि मस्जिद में शायद वहाँ पर कुछ आगजनी वगैरह की गई, क्या क्या किसी सूचना है या फिर किसी टोल पर कुछ ऐसी सूचना आई हो? सर देखिए, ये सूचना जो एक मॉस्क के रिगार्डिंग थी ये आई थी रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास की सूचना थी। उस पर तुरंत मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा था। वो एक जो इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स है वहाँ से उस एरिया के अंदर वो आग लगी हुई थी जिसको क्विकली काबू भी कर लिया गया था। उसके अलावा आग कहीं और नहीं पहुंची थी। इट अपीयर्स दैट कि बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो शायद वो शॉर्ट सर्किटिंग भी एक कारण हो सकता है, तो ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा कोई हमें फाउल प्ले नहीं दिखाई दिया उसके अंदर और कोई मोलोटोव कॉकटेल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं दिखाई दिया उसके अंदर, तो इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। दिस कुड बी अ रूटीन इंसिडेंस जो कि कोइंसिडेंस हो गया हो, और पुलिस पूरी मुस्तैदी से सभी पॉइंट्स पे कवर कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से अब मैं अपील करता हूँ आम जनता से कि आप शांति बनाए रखें, हम किसी भी अफवाहों के अंदर विश्वास ना करें। थोड़े लोग जो हैं जो रूमर्स फैला रहे हैं उन पर किसी प्रकार से विश्वास ना करें। थैंक यू। तो SP नू वरुण सिंगला को आपने सुना, अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अब तक की तमाम तफसीलात साझा की। उन्होंने बताया कि कुल गिरफ्तारियों की संख्या 139 हो गई है और FIR भी बढ़कर 145 हो गई है। उन्होंने बताया कि 4 नई FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही SP नू ने यह भी बताया कि 3 SIT का भी गठन किया गया है ताकि मामले की बारीकी से जांच की जा सके।
इसके अलावा ताउड़ में हुए धार्मिक स्थल पर आगजनी के मामले में उन्होंने कहा कि ये कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई बताया जा रहा है, फिलहाल हालात काबू में है, ये भी उन्होंने कहा। बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।